हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज बारी है कंप्लीशन स्टेज की। दो स्टेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कौन कौन से, एक तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। चारों धुरंधर हमारे रेडी है नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कंप्लीशन स्टेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इतने में चेतन उठता है और बोलता है कि सर अब तो हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, हमने जितने भी हमारे सफिशियंट ऑडिट एविडेंस होते हैं, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं, वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। हमारा जो हमारे एक मटेरियल नंबर था जो कि 2 करोड़ का था, उससे ऊपर की जो गलती थी वो रेक्टिफाई कर लाइन ने कर दी है। अब क्या करें, हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करते हैं। सोनू उठता है और बोलता है कि नहीं अभी रुको, अभी तो कंप्लीशन पूरा प्रोसेस बाकी है जो कि हमें कंप्लीट करना है बिफोर इशूइंग आवर ओपिनियन। तो इतने में चेतन बोलता है कि सर वो है क्या, मुझे पूरा बताइए कंप्लीशन प्रोसेस में क्या करना होता है। तो सोनू बोलता है कि एक काम करो, सबसे पहले जितनी भी तुम लोगों ने अभी तक गलतियां ढूंढी थी, इन्होंने जितनी भी गलतियां ढूंढी मेरे पास लेकर आ जाओ। पप्पू, मोनू, चेतन तीनों के तीनों गलतियां इकट्ठी करते हैं और सोनू के पास लाके रखते हैं। सोनू उठता है, बोलता है सबसे पहले पप्पू से, पप्पू तेरी कितने रुपए की गलती थी ये बता मुझे। पप्पू बोलता है कि मेरी मात्र 2500 रुपए की गलती मिली है मेरे को, एक गलती मिली है 2500 रुपए की। तो इतने में सोनू उठता है ब्लैक बोर्ड, अपना जो मार्कर होता है उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर करता है, बोर्ड के ऊपर करता है और बोलता है कि ये जो मटेरियल, जो मेरा मटेरियल नंबर है, यानी कि 50 लाख जो हमने डिस्कस करा था प्लानिंग के अंदर, जो मेरी मटेरियलिटी है 50 लाख, उसका अगर मैं 2.5% भी निकालूंगा, यानी कि 2.5 लाख, यानी कि 1,25,000, यानी कि 1,25,000 भी अगर मैं देखूं, उससे बहुत छोटा अमाउंट है ये। तो ये माना जाता है कि 5% जो अमाउंट होता है एक मटेरियलिटी का, उससे नीचे कोई भी गड़बड़ होगी तो ये इन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि अपनी प्लानिंग के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी 5% से कम की गलती होगी उसको हम बिल्कुल छोटा सा अमाउंट मानेंगे, ट्रायल अमाउंट मानेंगे, एंड दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन आवर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। तो उन्होंने बोला कि यार 1,25,000 से छोटा अमाउंट है, 2,500 का अमाउंट छोड़ इसको, इसके अंदर क्लाइंट रेक्टिफाई नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट को एक बार बोलते हैं, रेक्टिफाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सोनू बोलता है। अब इसके बाद मोनू के पास जाता है, मोनू यू आर द 3rd ईयर आर्टिकल, बताओ कि आगे गलती ढूंढ के लाए हो। तो मोनू बोलता है कि सर मेरे को 5.5 लाख रुपए की गलती मिली है। तो सोनू बोलता है कि यार ये तो जो हमारे जो ट्रैवल जो अमाउंट है, यानी कि 1,25,000, उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। क्लाइंट को बोला, क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट बोलता है मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अपने फाइनेंशियल के अंदर। क्यों नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, क्लाइंट कह रहा है कि इससे मेरे को थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा मेरे फाइनेंशियल के ऊपर, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जो भी रीजन है वो उनके बीच में डिस्कस हुआ और जो 5 लाख का अमाउंट है वो मोनू को मना कर दिया कि मैं फाइनेंशियल में एडजस्ट नहीं करूंगा। बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चेतन के पास जाता है, चेतन से पूछता है कि चेतन तूने इतनी गलती निकाली, चेतन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताओ कितनी गलती निकाल के लाए हो। चेतन बोलता है मेरे को 18 लाख रुपए की और गलती मिली थी, तो 18 लाख रुपए की और गलती मिली थी जिसको क्लाइंट ने रेक्टिफाई नहीं करा था। उसका रीजन क्या है, रीजन वो बोलता है क्योंकि मेरे और क्लाइंट के ओपिनियन में कोई डिफरेंस था। क्लाइंट बोलता है कि ये चीज एक्सपेंस ऑफ होनी चाहिए थी, मैंने बोला एक्सपेंस ऑफ नहीं होनी चाहिए थी, तो ये रीजन था 18 लाख रुपए की मेरे को एक गलती मिली है। जो मोनू होता है, जो सोनू होता है, वो बोलता है कि ठीक है एक काम करो, दोनों को कंबाइन करो, कितनी ही गलती निकल के आई, वो होता है 23 लाख रुपए की। तो क्या ये मेरा मटेरियल से ऊपर अमाउंट है नीचे अमाउंट है, सोनू पूछता है दोनों चेतन और मोनू से, तो बोलते हैं कि काफी नीचे अमाउंट है मेरा मटेरियल से। तो इसलिए सोनू बोलता है कि सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि अगर मेरा अमाउंट मटेरियल से ऊपर नहीं है, मटेरियलिटी से ऊपर नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। तो इतने में सोनू और मोनू पूछते हैं ऐसा क्यों, आपने दोनों को कंबाइन क्यों करा। तो बोलता है कि हमें जो जितनी भी गलती देखनी होती है, हमें गलतियां कंबाइन करके उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखना होता है। मोनू और चेतन जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्या मतलब है इसका। वो बोलते हैं लेकिन इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोला गया है सम ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो बोलता है इसका क्या मतलब है, सोनू से पूछा जाता है। सोनू बोलता है कि इसका ये मतलब है कि जो भी मेरी गलतियां हैं, जो अनकरेक्टेड है, वो मैनेजमेंट सर्टिफाई करके देगा कि ये अनकरेक्टेड गलतियां हैं। तो बोलते हैं कि सोनू बोलता है कि ठीक है, और चेतन बोलते हैं और मोनू बोलते हैं कि ठीक है हम इसको क्लाइंट से ले लेंगे, इसके अंदर लेंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर MRL, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सोनू बोलता है, बताता है कि हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अभी हम अपने मुद्दे पर रहते हैं कि इसको हम क्वालिफाइड नहीं कर सकते, पहले तो इस चीज को समझो, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते इस ओपिनियन को। क्यों, क्योंकि मेरा जो गलती है वो मटेरियलिटी से नीचे है टोटल मिलाकर। अगर क्लाइंट रेक्टिफाई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम इसको कहाँ डालेंगे, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अंदर, और हम ये किससे ले लेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में ले लेंगे कि भैया ये गलती है, तुम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, इसको साइन करके दे दो इसके ऊपर। मोनू और चेतन बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारी बात होगी इवोल्यूशन के ऊपर।
अब चेतन पूछता है कि अब सर आगे क्या करना है, वो बोलता है कि एक काम करो कि अभी तो हमारा ऑडिट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो जो हमने प्लानिंग के अंदर फर्स्ट कट लिया था, अब हमने जितनी भी गलतियां थी ठीक करानी थी, जितने भी क्लाइंट को ठीक करनी थी क्लाइंट ने ठीक कर लिया, तो एक काम करो चेतन, जाओ क्लाइंट के पास और बोलो कि फाइनल सेट दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भी उसने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, जो भी उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा है, फाइनल सेट दे दे ताकि हम अपना आगे का प्रोसेस कर सके। तो चेतन जाता है क्लाइंट के पास, फाइनल सेट लेकर आता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर वो एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर जो होता है वैसे सब्सटेंशियल प्रोसीजर का पार्ट होता है, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर या जो वो अप्लाई करा जाता है, एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन, मतलब जब भी कंप्लीशन हो रहा होता है या फिर जो भी जब फाइनेंशियल मेरे जो बिल्कुल फाइनल रेडी होता है उस समय पे वो अप्लाई करा जाता है। क्यों अप्लाई करा जाता है, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर आप क्या करते हैं, रेशियोज की एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन करते हैं। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में देखा कि जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था, हमने हमारे जो प्लानिंग स्टेज के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था कि 10,000 से 15,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, मान लीजिए जब फाइनल सेट आया के पास, तो एक्चुअल में 4,500 करोड़ का टर्नओवर बड़ा हुआ था। तो जो 4,500 करोड़ का टर्नओवर बड़ा हुआ था मेरा, तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को देखना है कि जो 4,500 करोड़ का जो टर्नओवर है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि मेरे को देखना होगा, मेरे को प्रोसीजर अप्लाई करने होंगे, मेरे को देखना होगा 4,500 करोड़ का जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा हुआ है, जो बड़ा हुआ दिख रहा है, क्या वो एक्चुअल में बड़ा हुआ है, मैंने जो अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, जो सफिशियंट ऑडिट एविडेंस है, वो तो ऑब्टेन कर लिए, लेकिन हो सकता है मेरी यहाँ से भी कुछ गलती निकल के आए, हो सकता है एक्चुअल में क्लाइंट ने कुछ गलत बुक कर लिया है अपने बुक्स के अंदर और वो मेरे को ठीक कराना पड़े, तो मेरे को अकॉर्डिंगली जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो अप्लाई करने होंगे, क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही हासू हो गई है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मैंने क्लाइंट का पूरा ऑडिट कर लिया, सारे प्रोसीजर अप्लाई कर लिए, कंट्रोल टेस्टिंग कर लिए, बिजनेस प्रोसेस चेक कर लिए, अब जो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है वो जो मेरी प्लानिंग स्टेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी इस चीज को समझिएगा। अब मैंने पूरा क्लाइंट का पूरा साल का ऑडिट कर लिया और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, तो मैं अब एनालाइज कर सकता हूँ चीजों को। मान लीजिए जब आपने एनालाइज करा एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर, सोनू बोलता है चेतन को कि मान लीजिए एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको कुछ गलतियां निकल के आए, आपके सामने कुछ गलतियां निकल के आए और आपको वो अकॉर्डिंगली अपना जो प्लानिंग के अंदर आपने NTE डिसाइड करा है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड, उसको आपको रिवाइज करना पड़े, ठीक है, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसा हुआ तो। चेतन बोलता है मैं समझ गया हूँ सर, अब क्या करना है, वो बोलता है कि जिसके जो जो एरिया थे वो पकड़ लो और उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो, रेशियो एनालिसिस करो, अपना पीरियड कंपैरिजन करो, जितने भी एनालिसिस हो सकते हैं सारे एनालिसिस करो, कहीं से कुछ गलती निकल के आती है तो मेरे को आके इन्फॉर्म करो। चेतन और टीम बोलती है कि ठीक है सर, हम अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। चेतन एंड टीम उनकी एनालाइज करती है एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू, लेकिन उनको ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो अगर उनको मिलता तो उनको NTE रिवाइज करना पड़ता प्लानिंग के अंदर। तो चेतन एंड टीम जाती है, सोनू को बोलती है कि सर हमें कुछ मिला नहीं है, हमें जो भी चीजें थी वो जो भी क्लाइंट ने बताया है उसके बेसिस पे हमने ऑडिट करा है और वो ठीक ठाक भी लग रहा है, ऐसा कोई हमें कुछ ऊपर नीचे नहीं लगा है, रेशियो भी हमारे ठीक ठाक बैठ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, वो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी है। सोनू बोलता है ठीक है, हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, अब हमें करना होगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि जैसे आप जो ऑडिट कर रहे हो, टीम को बोलता है चेतन एंड टीम कि आप जो ऑडिट कर रहे हो वो कर रहे हो आप 31 मार्च का, लेकिन आज जो हम बैठे हुए हैं, आज हम बैठे हुए हैं मई के अंदर, ठीक है, हमने ऑडिट स्टार्ट करा था मार्च के अंदर ही, लेकिन आज हम आ गए मई के अंदर, मई के अंदर इनकी साइनिंग हो रही है, मई में साइनिंग हो रही है, तो जो 1-1.5 महीना जो हुआ है ओवर एंड अबव, हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जो कि एडजस्टिंग इवेंट हो। चेतन बोलता है मतलब कि एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब है, 31 मार्च तो कंप्लीट हो गया आप क्या करें, वो बोलता है इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो हमें या तो उसका डिस्क्लोजर देना हो हमें फाइनेंशियल के अंदर, या फिर हमें डिस्क्लोजर देना हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करनी हो। चेतन बोलता है एग्जांपल, वो कह रहे हैं जैसे आग लगी, भीषण आग लगी, काफी भयंकर आग लगी, तो आपको फाइनेंशियल के अंदर डिस्क्लोजर भी देना होगा और एडजस्टमेंट भी करनी होगी, क्योंकि दिस इज द एडजस्टिंग इवेंट, इसकी वजह से आपके गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ सकता है। चेतन बोलता है मैं समझ रहा हूँ सर क्या कहना चाह रहे हो आप, अब हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर के लिए जाते हैं। तो चेतन एंड टीम सारी के सारी सब्सटेंसिव प्रोसीजर के लिए जाते हैं, क्लाइंट के पास बैठती है और अपनी जो भी इंक्वायरी होती है वो सारी की सारी कंप्लीट करती है, पूछती है कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई आपके पास नोटिस आए इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से, वगैरह वगैरह, सब्सटेंसिव पूरी प्रोसीजर उनकी जानकारी ली जाती है, उनके मिनट्स पढ़े जाते हैं, जो बात की मीटिंग्स हुई है उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो ये सारी चीजें करी जाती हैं और हमारा जो प्रोसीजर होता है सब्सटेंसिव इंक्वायरी का वो कंप्लीट होता है और उनको कुछ भी ऐसा इवेंट नहीं मिलता जो कि एडजस्टिंग इवेंट बने। तो चेतन एंड टीम दोबारा अपने रूम में आके बैठती है और सोनू के साथ, तो सोनू से बोलते हैं कि सर अब क्या करना है, वो बोलता है कि अब आपको
बोइंग कंसर्न को रिव्यू करना है। तो चेतन और टीम से पूछता है कि चेतन आप एक चीज बताओ कि आपने अभी तक पूरा ऑडिट करा, आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि कोई बोइंग कंसर्न का खतरा है? बोलता है सर नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि इनका टर्नओवर बढ़ गया। और जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट ने मेरे को बताया क्योंकि कोरोना आ गया है तो लोगों का कंजम्पशन ज्यादा हो गया था, और क्लाइंट को भी लगता है कि फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इनका राइस का बिजनेस है, इनका कंजम्पशन वाला बिजनेस है, कंज्यूमर वाला बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस है, तो क्लाइंट को लगता है कि इनका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। और मेरे को भी लॉजिकल लग रहा है क्योंकि मैंने गूगल के ऊपर पढ़ा चावलों का बिजनेस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है मेरा, इसलिए मेरे को लग रहा है कि कोई गोइंग कंसर्न की दिक्कत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी सर मैं देखा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी आ रही है इनकी, क्योंकि अराउंड 10-15% आ रही है ईयर ऑन ईयर, और इस बार थोड़ी सी 2% बढ़ी हुई भी लग रही है मेरे को। तो मेरे को गोइंग कंसर्न पर तो सर कोई खतरा नहीं लग रहा है। तो सोनू बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमें फिर भी प्रोसीजर कंप्लीट करने में, क्लाइंट से लोग पूछो कि उनका प्लान क्या है, गोइंग कंसर्न उनका यानी कि 2-3 साल का प्लान क्या है आगे वाले फ्यूचर के अंदर, और उस प्लान को सब्सटेंशिएट करो कि क्या तुम्हें भी लगता है कि जो गोइंग कंसर्न क्लाइंट बोल रहा है दैट इज वैलिड। चेतन बोलता है कि ठीक है सर मैं जाता हूँ और क्लाइंट के पास से गोइंग कंसर्न का डाटा लेकर आता हूँ, उसको वैलिडेट करता हूँ। चेतन वैलिडेट करता है, उसमें उसको कुछ नहीं निकलता है और गोइंग कंसर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और कंपनी की जो गोइंग कंसर्न है वो वैलिड रहती है। अब चेतन पूछता है कि सर अब हमारे क्या करना है, सोनू सर ये बताइए मुझे। तो सोनू सर बोलते हैं कि अब आपको चेकलिस्ट दी जाएंगी, कुछ कंपनी जाकर चेकलिस्ट हो गई, इंडिया से चेकलिस्ट हो गई, इस तरह की कुछ चेकलिस्ट दी जाएंगी, कारों की चेकलिस्ट हो गई, ये सारी चेकलिस्ट दी जाएंगी। आपको इंश्योर करना है कि क्या ये चेकलिस्ट जो हमने बोली है, कंप्लायंसेस जो क्लाइंट के पास जो हमने चेक करे हैं, इस चेकलिस्ट के अंदर आपको इंश्योर करना है ओके है नहीं। तो चेतन की टीम लग जाती है, एक एक चेकलिस्ट सारे पकड़ लेते हैं और इंश्योर करना स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट जैसे कंपनी जैक की चेकलिस्ट में लिखा होता है कि डायरेक्टर जो अपॉइंट होने चाहिए थे है या नहीं है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए थे है या नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितने होने चाहिए थे है या नहीं है, ये सारी चेकलिस्ट होती है, काफी लंबी चेकलिस्ट होती है कंपनी जैक की, तो वो इंश्योर करता है चेतन। इंडिया की चेकलिस्ट इंश्योर करता है मोनू, कारों की चेकलिस्ट इंश्योर करता है हमारा पप्पू। तो ये सारी चीजें चेकलिस्ट इंश्योर करने के बाद जो सोनू है वो इनका रिव्यू करता है और देखता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपरली रेडी है फॉर फाइनलाइजेशन, और सोनू बनाना स्टार्ट कर देता है पीपीटी। इतने में चेतन और टीम पीछे से आते हैं, कहते हैं सर अब तो कंप्लीट हो गया, आप क्या कर रहे हो, पीपीटी क्या बना रहे हो अभी? तो सोनू बोलता है कि यार अब तुम लोगों ने ऑडिट कर लिया है, मुझे प्रिपरेशन करनी है ऑडिट क्लियरेंस मीटिंग। कहते हैं ये क्या होता है, आप लोगों ने जो भी गलतियां निकाली, जो भी आपके पॉइंट्स थे, जो भी आपकी चीजें थी, साल में जो भी चीज हुई, अब हमें बड़े 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 लोगों को बताना पड़ेगा। कहता है मतलब बड़े बड़े लोग कौन है? कहता है जो आपके इन्वेस्टर्स हो गए कंपनी के, उनको बताना है, ठीक है, जो भी जिन्होंने भी फंड इन्वेस्ट करा हुआ है उनको बताना है, जो भी इनके डायरेक्टर हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको ये चीजें बतानी है, जो भी इनके बड़े बड़े डायरेक्टर हो गए उनको ये चीजें बतानी है। कहता है सर समझ में आ रहा है मेरे को, आप इसको प्रिपेयर करिए, लेकिन इसमें लिखोगे क्या? इसमें हम ये चीजें लिखेंगे कि जो भी इनकी गलतियां थी, जो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं करी, यानी समरी ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, जो भी कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन है इस साल में, जो भी अनयूज ट्रांजेक्शन है उसके बारे में हम ईसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेंगे, कुछ भी और अदर पॉइंट्स है जो लगता है कि ये चीजें ईसीडब्ल्यूजी के अंदर उनकी उनको पता होना चाहिए उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। चेतन टीम बोलती है कि सर समझ गए क्या होता है, अभी मीटिंग किस दिन है? ये मीटिंग है 2 दिन बाद की और हम इसको प्रेजेंट करेंगे, हमारे जो पार्टनर है वो इसको प्रेजेंट करेंगे। सोनू प्रिपेयर करता है पीपीटी, पार्टनर को रिव्यू ले भेजता है, पार्टनर चेक करता है कि ठीक है सब कुछ, पार्टनर प्रेजेंट करता है एसीएम के, एसीएम को खुश हो जाता है टीसीडब्ल्यूजी उनकी जो टीम होती है कि बढ़िया ऑडिटर है, बढ़िया तरीके से ऑडिट करा है, और यहाँ पर जो एसीएम वाली जो मीटिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एसीएम कंप्लीट होते ही सोनू भेज देता है मेल मैनेजमेंट को साइनिंग के लिए एमआरएल। एमआरएल क्या होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी चीजें हैं कंपनी के, जो भी एक्सेस है वो दिया है ऑडिटर को, कोई भी चीज छुपाई नहीं है ऑडिटर से, ऑडिटर के सामने सब कुछ रख दिया है, ऑडिटर की कोई कंफर्मेशन कोई वैल्यूएशन वाली चीज कुछ चीज कराई है तो मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीजें सही हैं, वो जो भी चीजें हैं जो ऑडिटर चाहता है कि मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस चीज़ की जितनी ऑडिटर ले रहा है, क्योंकि ऑडिटर साइन कर रहा है तो चाहता है कि जो भी मैनेजमेंट ने जो चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर लिख के साइन करवा लेता है ऑडिटर, और साइन करवा के वो अपने पास ले लेता है बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और ये ऑलमोस्ट जिस दिन भी ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है उसके आसपास का टाइम ही होता है जिस दिन ये लिया जाता है। जब मैनेजमेंट से एमआरएल आ जाता है तो उसके बाद मोहिनी यानी कि एंगेजमेंट मैनेजर उसको दोबारा रिव्यू कराया जाता है कंप्लीशन स्टेज को, उसको बताया जाता है कि हमने चेकलिस्ट भर ली है, ये हमने सब सी प्रोसीजर कर लिए, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। मोहिनी जब रिव्यू कर लेती है अपना रिव्यू मार्क कर देती है, रिव्यू मार्क करने के बाद पहुंच जाते हैं पार्टनर के पास, पार्टनर को दोबारा से रिव्यू कराते हैं, पार्टनर अकॉर्डिंग टू द फर्म मेथोलॉजी जो भी होती है उसके हिसाब से वो रिव्यू प्लान रिव्यू करता है, चीज़ों को रिव्यू करता है, कुछ पॉइंट होते हैं उसके पॉइंट देता है, उसको फॉलोअप करता है, उसको कंप्लीट करवाता है और अपना जो कंप्लीशन का प्रोसीजर होता है वो साइन ऑफ कर देता है।
कंप्लीशन का प्रोसेस साइन ऑफ करने के बाद अब बात आएगी हमारी ओपिनियन की। अब जो मैनेजमेंट जो भी हमारा ऑडिटर होगा उसको ओपिनियन देना होगा कंप्लीशन स्टेज के बाद। ओपिनियन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको ये वाली पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।